वोटिंग ट्रेंड आ चुका है हमारे पास, तो चलिए आप लोगों को बताते हैं कि भाई 2 बजे तक वोटिंग लाइन जो ओपन थी उस तब तक कितने वोट्स किसको मिले थे और कौन सा कंटेस्टेंट कितने नंबर पे था। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस बार का वीकेंड का वार बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि काफी सारे ऐसे मुद्दे इस हफ्ते में हुए हैं जिसको हाईलाइट करते हुए सलमान खान नजर आने वाले हैं। उसी बीच में इस हफ्ते जो है 4 लोग नॉमिनेटेड है, जैसे कि गौतम है, टीना है, सौंदर्य है, शालिन है, तो ये चारों में से एक को तो डेफिनेटली घर से बेघर होना ही है। पर उसी दौरान ही यहां पर एमसी स्टैन और शालिन की जो है काफी बहस भी हुई है, काफी ज्यादा मारपीट भी हुई है, बताया जा रहा है ये फिजिकल भी हो चुकी है। इसके अभी डिसीजन जो है सलमान खान वीकेंड के वार पे लेंगे। अभी क्या होगा, क्या ट्विस्ट लेके आने वाले हैं सलमान खान, ये तो वीकेंड का वार जब हम लोग देखेंगे तभी पता चलेगा। पर हम आप लोगों को ये चीज बता दें कि सौंदर्य के बारे में काफी ज्यादा चर्चा चल रही है। सौंदर्य को काफी ज्यादा पसंद करने लग गए हैं लोगों का कहना यह है कि सौंदर्य पहले इतनी अच्छी नहीं थी, पर अब काफी ज्यादा स्ट्रांग पर्सनालिटी जो है निकल के सौंदर्य के सामने आ रही है। सौंदर्य ने जिस तरीके से लड़ाई में बीच में आके जो है अर्चना को संभाला है वो काफी ज्यादा कमाल का है, इसीलिए सौंदर्य को जो है ज्यादा वोट दे रही है जनता और सौंदर्य है पहले नंबर पे है सौंदर्य। दूसरे नंबर पे है शालिन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके हैं लोग क्योंकि शालिन काफी ज्यादा ओवर एक्टिंग की दुकान भी खोलते हैं और शालिन ने माता के चुनरी को एक्चुअली में बाहर लेके गए हैं, उसके ऊपर भी काफी ज्यादा मुद्दा जो है वो बन रहा है। और भी काफी सारे मुद्दे हैं जो कि वीकेंड के वार पे सलमान खान ने उठाएंगे, पर सौंदर्य और शालिन में ज्यादा डिफरेंट नहीं है वोट्स का, पर शालिन फिर भी दूसरे नंबर पे है। और तीसरे नंबर पे है टीना दत्ता और चौथे नंबर पे है गौतम जो है ज्यादा कुछ करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, गौतम जो है काफी ज्यादा साइलेंट हो गए हैं। हालांकि स्ट्रांग पर्सनालिटी सौंदर्य की दिख रही है, अगर वोटिंग क्लोजिंग वोटिंग लिस्ट के हिसाब से देखें तो गौतम जो है डेफिनेटली इस हफ्ते घर से बेघर होने वाले हैं। पर यहां पर ट्विस्ट क्या लेके आएंगे मेकर्स वो तो वीकेंड का वार देखने के बाद ही पता चलेगा। पर यहां पर एमसी स्टैन और जो शालिन की जो बहस हुई है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, उसके आधार पर भी जो है एविक्शन हो सकती है। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है इस बार का वीकेंड का वार। पर अगर आपसे पूछा जाए तो किसको होना चाहिए, गौतम, एमसी स्टैन या शालिन को घर से बेघर, आप बताइए। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।